हाय फ्रेंड्स, दिस इज योर फ्रेंड श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल बुक रिव्यूज एंड व्यूज। इस बुक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि हम लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम लोग बहुत जानते हैं। झांसी की रानी, हमारे देश का गर्व, हमारा प्राउड रानी लक्ष्मीबाई, एक वीर योद्धा जिन्होंने अपने देश, अपने राष्ट्र के लिए अपनी जान तक अपनी अब शहीद हो गई। लेकिन कुछ ऐसी वॉरियर्स, फीमेल वॉरियर्स रही हैं जो जंग के मैदान में तो नहीं गई, लेकिन उनका योगदान भी झुटलाया नहीं जा सकता। ऐसे ही एक है रानी चिंतन कौर, महाराजा रणजीत सिंह, हम लोग जिनकी बहुत श्रद्धा से जिनका नाम लेते हैं, जिनके लिए हमारे मन में बहुत ज्यादा प्रेम और श्रद्धा है। उनकी वाइफ रानी चिंतन कौर, जो कि ये नॉवेल है लास्ट क्वीन, जिनके बारे में इनके बात करी गई है, ये लिखी है चित्रा बनर्जी देवाकुंडी ने। इसको फिक्शन की कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें सारे लाइफ इवेंट्स तो कवर करे गए हैं, रियल लाइफ इवेंट्स कवर करे गए हैं, लेकिन अगर आप किसी की थॉट प्रोसेस बता रहे हो, समझा रहे हो कि उसने अगर ये स्टेप उठाया तो किस वजह से उठाया, उसकी थिंकिंग उस समय क्या होगी, वो इमोशनल, वो ऊपर उसकी इमोशनली वो कैसा फील कर रहा होगा इंसान, तो इसीलिए इसको फिक्शन की कैटेगरी में डाला है। अदरवाइज इस बुक में जितने भी इवेंट्स मेंशन करे गए हैं वो सब सच हैं, रियल हैं, एक्चुअली में वो कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इस बुक में क्या है। ये बुक है रानी चिंतन कौर की, जिनके बारे में उनका कई कैरेक्टर असैसिनेशन कई जगह हुआ है, कई लोगों ने किया होगा, कई आर्टिकल्स में आपने पढ़ा होगा, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। जब आप इस बुक को पढ़ेंगे आपको इसके बारे में पता चलेगा। बहुत ही ब्रेव, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अच्छी रानी थी ये। रानी इसलिए कहा जाएगा क्योंकि एक इंसान एक मदर हो सकता है, एक वाइफ हो सकता है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्टिकुलर बंदे की तरफ होती है, लेकिन जब कोई कहीं की रानी है, राजा है, तो उस वो अपने आप को उनसे, अपनी प्रजा से अलग नहीं कर सकता। उनके बारे में सोचना, पहले सोचना वो उनका कर्तव्य होता है। तो इस बुक को जब आप पढ़ेंगे आप एक जर्नी के साथ ट्रैवल, एक जर्नी को ट्रैवल करेंगे। वो जर्नी ऐसी है एक लड़की की जो एक गांव की है, बहुत यंग, बहुत छोटी, जिसके फादर महाराजा रणजीत सिंह के घर, रणजीत सिंह के राज्य में एक डॉग ट्रेनर हुआ करते थे। उनके सेल्फिश रीजंस भी आपको पता चलेंगे। आपको एक टाइम पे उसके फादर से नफरत भी होगी, इनके फादर से। इनकी आपको वो गरीबी वाली स्थिति देखने को मिलेगी शुरू में। जो विजुअलाइज आप करेंगे ना, आपकी आंखों के सामने हो रहा होगा कि एक खाने के लिए कितना स्ट्रगल इंसान करता है। फिर उसके बाद इनकी जर्नी आती है जब ये राजधानी में पहुंचती है अपने फादर के साथ, जो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इनको लेकर के जाते हैं। उसको मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी, वो आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं इसको पढ़ना। तो उसको लेकर के जाते हैं। फिर ये वहां पे किस तरीके से महाराजा रणजीत सिंह से मिलती है, जो कि इनके फादर की एज के होते हैं। एक आप रोमांटिक राइड भी साथ में लेंगे इस नॉवेल में, जो बहुत ही अच्छी टचिंग सी है और एक प्योर लव को आपको बताती है कि प्योर लव ऐसा भी होता है। वो आपको एक जैसे मूवी इतनी होती है कि जिसमें आप मिल रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, फिर वो फीलिंग्स को आप जब देखते हैं तो आप उससे कनेक्ट करते हैं अपने आप को। इस बुक में भी आप अपने आप को कनेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आता है कैसे रानी बनती है, क्योंकि ये तो बहुत यंग होती हैं, राजा रणजीत सिंह काफी उनसे बड़े होते हैं, तो फिर कैसे ये रानी बनती, किस तरीके से इनकी शादी होती है, जिस तरीके से लड़कियों का शादी का अरमान होता है, वैसे तो नहीं होती लेकिन फिर भी होती है, लेकिन उससे भी ये बहुत खुश है क्योंकि इनकी इनके इनका प्रेम जो राजा रणजीत सिंह की तरफ है, के लिए है, वो कई गुना ज्यादा है, उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। फिर किस तरीके से इनकी लाइफ में स्ट्रगल का टाइम फिर से शुरू होता है, कि महल में जाने के बाद भी बाकी रानियों का रवैया इनकी तरफ कैसे रहता है, किस तरीके से ये उसको हैंडल करती हैं, कितना अत्याचार ये सहती है, और फिर उसके बाद राजा रणजीत सिंह का इनको कितना सपोर्ट मिलता है। फिर जब राजा रणजीत सिंह की धरती से नहीं रहते, यहाँ पे स्वर्गवास उनका हो जाता है, फिर इनकी जिंदगी में कितना कौतूहल मचता है, ये क्या क्या उस समय सोच रही होती हैं, उसके बाद ये किस तरीके से अपने बेटे को पालती हैं दिलीप को, फिर उनकी लाइफ में कोई आता है तो उस रिलेशनशिप उस पॉइंट पे ये वीक भी होती हैं, लेकिन वीक होना इज नॉट द एंड, वो उससे उठती हैं, वो उठती हैं, अपने राज्य के लिए करेक्ट स्टेप्स लेती हैं। इनके बेटे को इनसे अलग कर दिया जाता है, ब्रिटिशर्स की बहुत सी चालें आपको इस बुक में देखने को मिलेंगी,
किस तरीके से इनकी दयनीय स्थिति भी होती है, उसके बाद ये दोबारा से अपनी हिम्मत नहीं हारती हैं, ये आगे बढ़ती चली जाती हैं। इनके बेटे को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसके लिए ये क्या करती है, अपने दोबारा बेटे से कभी मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है, मिल पाती है तो ये लास्ट में उनसे क्या बात करती है, किस तरीके से वो वहां अगर गई है, फॉरन मान लीजिए बेटे के साथ गई है, तो किस तरीके से वहां रहेंगे। इतनी सारी चीजें इसमें है ना, इतने सारे रिलेशनशिप्स आपको देखने को मिलेंगे इनकी लाइफ के, और अपने ऊपर लगे इल्जामों को इन्होंने किस तरीके से हैंडल किया। बहुत ही अमेजिंग बुक है, इतनी अच्छी जर्नी है, ये आप इस बुक को 1 मिनट भी छोड़ नहीं सकते अगर आपने इसको पढ़ना स्टार्ट किया है, और आपको रीडिंग अच्छी लगती है, आपको इंटरेस्ट है जानने में रानी जिंदन कौर के बारे में, महाराजा रणजीत सिंह की लाइफ के अंदर आप झांकने में इंटरेस्टेड है, आप जानना चाहते हैं कि वो किस तरीके के इंसान थे, क्यों हम लोगों का सर उनका नाम लेते ही झुक जाता है, तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। इस बुक को मैंने बुक फेयर, बात करते हैं ये बुक मैंने कहाँ से ली थी, ये मैंने बुक एक बुक फेयर लगा था वहां से मैंने परचेज करी थी, और मुझे ये ऑनलाइन बहुत तो नहीं दिखी, आपको दिख जाती है तो बहुत आप लकी हैं। ये 599 इसकी एमआरपी है, लैंग्वेज इसकी डिसेंट है, अच्छी है, लेकिन आपको डिक्शनरी कहीं ना कहीं यूज करनी पड़ेगी, आपके वोकैबुलरी के लिए हेल्पफुल है, इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, और बहुत ही अच्छी बुक है, इसको मैं बहुत 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 हाईली रिकमेंड करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।